हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स टू फ्लाई। आज के वीडियो में हम वर्ल्ड बुक डे के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि वर्ल्ड बुक डे कब और क्यों मनाया जाता है और हम इसके बारे में कुछ क्वोट्स और एक पोएम भी देखेंगे। सो नाउ फर्स्ट सी दी एसे। द वर्ल्ड बुक डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 23rd ऑफ अप्रैल। The day was started by the UNESCO to promote reading, publishing and copyright. It is also known as the World Book Day and Copyright Day or the International Day of the Book. Every year, the United Nations organize educational and cultural events as a celebration of books, publishing and reading. So, World Book Day, har saal 23rd April ko ऑब्जर्व किया जाता है और ये डे यूनेस्को ने स्टार्ट किया था रीडिंग, पब्लिशिंग और कॉपीराइट को प्रमोट करने के लिए, और इसे हम वर्ल्ड बुक डे, कॉपीराइट डे और द इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक के नाम से भी जानते हैं। और हर साल बुक्स, पब्लिशिंग और रीडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल और कल्चरल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती है। द डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन 23rd अप्रैल ऑफ 1995 एंड कंटिन्यूज टू गेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन दैट डे एवरी ईयर। द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज टारगेटेड टूवर्ड्स प्रोमोटिंग द एंजॉयमेंट ऑफ बुक्स एंड रीडिंग। Today, more than 100 countries all over the world are celebrating the World Book Day celebrations. तो ये डे सबसे पहले 23rd अप्रैल को 1995 में सेलिब्रेट किया गया था और तब से ये आज तक 23rd अप्रैल को ही मनाया जाता है। और वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे बुक्स और रीडिंग की इंजॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए टारगेट करता है और अब तक 100 कंट्रीज़ ने वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेशंस को मिलके सेलिब्रेट किया है। सो वी हैव कंप्लीटेड द एसे, नाउ वी विल सी द क्वोट्स। सो फर्स्ट क्वोट इज, A book is like a garden carried in the pocket. Book एक garden की तरह है। जैसे garden में बहुत सारे trees, plants, flowers होते हैं, वैसे book में भी बहुत सारी ऐसी ज्ञान की बातें होती हैं जो हमेशा हमें अच्छे राह पे ही चलाती हैं और हम इसे pocket में कहीं भी ले जा सकते हैं। हम इसे pocket में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। नाउ सेकेंड, द मोर दैट यू रीड द मोर थिंग्स यू विल नो, द मोर दैट यू लर्न द मोर प्लेसेस यू विल गो। जितने ज़्यादा आप रीड करोगे उतने ज़्यादा आपको उसके बारे में पता चलेगा और जितने ज़्यादा आप उसको लर्न करोगे उतना ही आप बहुत सारे प्लेसेस में जा सकोगे। नाउ थर्ड, You can find magic wherever you look. Sit back and relax. All you need is a book. और जहाँ भी आप कभी भी जहाँ भी देखोगे वहाँ आपको मैजिक दिखेगा। लेकिन अगर आप कभी भी थक गए तो आप बैठ के शांति से एक बुक पढ़ सकते हैं। Now fourth, a room without books is like a body without a soul. तो बुक्स के बगैर एक रूम ऐसा लगता है कि एक बॉडी में उसकी आत्मा नहीं है। नाउ फिफ्थ, बुक्स आर जेम्स गिविंग अ वे टू आवर फ्यूचर। बुक्स एक हीरे की तरह होते हैं जो हमें अपने फ्यूचर में कुछ भी बनने का वे दिखाते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड द क्वोट्स, नाउ वी विल सी द पोयम ऑन बुक्स। सो लेट्स रीड द पोयम। Open a book and you will find people and places of every kind. Open a book and you can be anything you want to be.
Open a book and you can share wondrous words you find in there. Open a book and I will too. You read to me and I will read to you. So, जब भी हम बुक को खोलते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के पीपल और प्लेसेस के बारे में जानने को मिलता है और हम उसकी मदद से फ्यूचर में कुछ भी बन सकते हैं। हम जैसे कि हमें कोई भी वर्ड समझ नहीं आता तो हम बुक को उठा के उसके बारे में पढ़ के उसे अच्छे से समझ सकते हैं और हम बुक को रीड कर सकते हैं और वो हमें रीड कर सकता है, क्योंकि जो भी हम फ्यूचर में बनते हैं वो हम बुक की वजह से ही बनते हैं, क्योंकि बुक में इतनी सारी ज्ञान की बातें होती हैं तो उसकी वजह से हम कुछ भी अपने फ्यूचर में बन सकते हैं। सो अब तो आपको बुक्स के बारे में पता चल गया होगा कि वो कितने हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो हमें अपने फ्यूचर में बनने का रास्ता दिखाते हैं। सो हमने ऐसे क्वोट्स और पोएम देख ली है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। सो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।